What's up guys, my name is Thru and welcome to my channel. आज मेरे पास Firebolt की और एक स्मार्ट वॉच आ चुकी है जिसका नाम है Firebolt Atlas Folding स्मार्ट वॉच। ये Firebolt की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है। इसमें आपको पूरी मेटल की बॉडी मिलने वाली है, बस आपको लेदर के स्ट्रैप मिलते हैं जिससे पूरा को प्रीमियम लुक मिल जाएगा। बस आपको सारे सेंसर्स, कॉलिंग फीचर सब कुछ आपको मिलने वाला है एंड प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। प्राइस आप सबके लिए सरप्राइज है। अगर आपको वीडियो को देखने के बाद इस स्मार्ट वॉच को परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब सीधा परचेस कर सकते हो। आज हम स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, सारे फीचर्स को टेस्ट करने वाले। सो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। प्लीज तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुबह से हमारे स्मार्ट वॉच का बॉक्स है। यहाँ पे को फ्रंट साइड में Firebolt की ब्रांडिंग एंड नीचे को मॉडल नेम मिल जाएगा। साइड में को सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। बैक साइड में सारे को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं को बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले को मिलता है वारंटी कार्ड। यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में एक साल के लिए वारंटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है गाना का 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आपको मिलता है बुकमार्क्स का फ्री वाउचर एंड आपको मिलता है बोल्ड प्ले का फ्री मेंबरशिप। सो आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है। प्लस आपको मिलता है यूजर मैनुअल जिसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। साथ में को मिलता है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल जिससे आप बहुत ही इजीली स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। सिंपली आप इस तरह से अटैच करके स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाओगे, आपके लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस बन जाएगा। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट Firebolt Atlas कॉलिंग स्मार्ट वॉच। सो गाइस अभी मैंने स्मार्ट वॉच को पहन लिया। स्मार्ट वॉच का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा है। वेट ओनली 45 ग्राम है जो बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन आपको बहुत ही स्लिम मिलती है। सो स्मार्ट वॉच को आराम से आप ऑल डे पहन के रख सकते हो। बहुत ही इजीली आप अपना हैंड मूव कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे कोई स्मार्ट वॉच में स्क्वायर शेप में डायल मिलता है। स्मार्ट वॉच बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको आप आराम से पहन सकते हो। लुक आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे दूसरे भी चेक कर सकते हो, लुक एंड फील आपको बहुत ही प्रीमियम मिल जाएगा। यहाँ पे कोई स्मार्ट वॉच में लुक के लिए कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। अगर बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे पूरी आपको मेटल की बॉडी मिलती है, पीछे आपको प्लास्टिक बैक मिलता है और स्मार्ट वॉच में 20 mm के लेदर के स्ट्रैप मिलते हैं। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी, आपके स्किन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस टेप को बहुत ही जल्द इस तरह से रिमूव एंड रिसेप अटैच कर पाओगे। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच की राइट साइड में 2 बटन एंड माइक मिलता है एंड लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर मिल जाएगा। और आपको बैक साइड में सारे सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। और आपको स्मार्ट वॉच में फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन मिलने वाला है, इससे बहुत ही इजीली आप स्क्रोलिंग कर पाओगे। एडिशनली आपको स्मार्ट वॉच में IP68 वाटर प्रूफ फिटिंग मिलता है। सो आप स्मार्ट वॉच को आराम से ऑल वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच को शावर के टाइम, बस आप स्मार्ट वॉच को अंडर वाटर स्विमिंग के टाइम में यूज कर पाओगे, तब भी आपकी स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगी। और गाइस नेक्स्ट स्टेप में हम स्मार्ट वॉच को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए आपको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, इससे आपकी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। देखो अभी स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है। नेक्स्ट आपको अपने फोन में Firebolt एक्टिव एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो को एप स्टोर एंड प्ले स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा एड डिवाइस, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भाई स्मार्ट वॉच आ जाएगी। सिंगल कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको पैर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये कनेक्ट हो चुकी है, आप आपको अलाउ करना है। बहुत ही फास्ट आप कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट में स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फंक्शन एनेबल करने वाले, उसके लिए यहाँ पे को सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन करना है और फाइंड करना है ऑडियो Firebolt BSW075 सिंगल को क्लिक करना है, भी कनेक्ट हो जाएगा। तो भी स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फंक्शन भी एनेबल हो चुका है। अगर हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, मैंने चेक किया इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 4 to 5 डेज का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो अगर स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज करोगे, कॉलिंग के साथ आप ज़्यादा यूज करोगे, फिर भी आपको आराम से 3 to 4 डेज का बैटरी लाइफ मिल जाएगा जो कॉलिंग स्मार्ट वॉच के लिए काफी डिसेंट बैटरी लाइफ है। तभी स्मार्ट वॉच को ऑनली 2 बार चार्ज करके पूरा वीक आराम से आप यूज कर पाओगे। किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे स्मार्ट वॉच में बहुत ही बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पे वॉच में 1.9 इंच HD डिस्प्ले मिलती है जिसमें को 320x385 पिक्सल रिजोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बेजल्स काफी आपको मिनिमल मिलते हैं, पूरा आपको फुल डिस्प्ले मिलने वाले है। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, डिस्प्ले बहुत ही शार्प है, कलर्स आपको परफेक्ट मिल जाएंगे। टच डिस्प्ले काफी अच्छा है, बहुत ही इजी डिफरेंट में नेविगेट कर पाओगे। अगर हम बात करें ब्राइटनेस के बारे में, सिंपली आप इस तरह से स्वाइप डाउन करके ब्राइटनेस को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। डिस्प्ले काफी आपको ब्राइट मिलती है, सब स्मार्ट को बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में आप यूज कर पाओगे। सो गाइस यहां पे को इस प्राइस पर में बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले मिल जाएगा। और गाइस हमारे पास कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, सभी स्मार्ट वॉच का कॉलिंग टेस्ट करने वाले वो भी लाइव, सो मैं कॉल डायल कर रहा हूँ।
क्लिक करते कॉल हो जाएगा। इस तरह से मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। हेलो मम्मी, मैं 6 बजे जिम में जावा। 6 बजे? हाँ हाँ। मंसी के लागे आवानी? मंसी लगभग 7-1 बजे। हाँ तो वहाँ तो है हर हाँ क्योंकि पास लाओ तो मन क्या जे। सो इसे से कॉलिंग कर सकते हो, कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम काफ़ी आपको हाई एंड क्लियर मिलता है। सो स्मार्ट वॉच के ऐप से बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में कॉलिंग कर पाओगे। और साथ में हम स्मार्ट वॉच के वॉइस असिस्टेंट का भी टेस्ट करते हैं, क्लिक करते ऑन हो जाएगा। क्लिक किया देखो ऑन हो चुका है। हे सिरी, हाउ इज द वेदर इन अहमदाबाद? इट्स करंटली क्लियर एंड 29 डिग्रीज। टेंपरेचर्स आर हेडिंग डाउन फ्रॉम 29 डिग्रीज टू 19 टुनाइट। ओके ओके, सो ये काफी एक्यूरेट काम करता है। यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में और एक फीचर मिलता है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच में म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हो। अभी मैंने फोन में म्यूजिक को स्टार्ट करता, यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया और ये म्यूजिक आपकी स्मार्ट में चल रहा है। इस तरह से वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया, इस तरह से वॉल्यूम काफी आपको हाई मिलता है। यहाँ पे आप स्टॉप स्टार्ट सब कुछ आप कर पाओगे, सब स्मार्ट वॉच म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हो। और जैसे आपके फोन में कॉल आएगा, स्मार्ट वॉच में रिंग बजना एंड वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉलर का नेम मिलता है, ऐसे कॉल को पिकअप कर सकते हो, ऐसे कॉल को कट कर सकते हो, ऐसे कॉल को पिकअप कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी पिकअप हो जाएगा। इस तरह से ऐसे कॉल को कट भी कर पाओगे, कट हो जाएगा, सो बहुत ही जल्दी आप कॉलिंग कर पाओगे। और गाइस नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच के यूआई के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में वेकअप फीचर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन मिलता है। इसको आप सिंपली आप इस तरह से रोटेट करके अपने वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 100+ वॉच फेस मिलेगा, इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको वॉच फेस मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारा वॉच फेस मिलने वाला, जिसको पूरा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है माया डायल, मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है माया डायल, यहाँ पे आपको 3 टाइप का वॉच फेस आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मिलता है एल्बम डायल, मैं क्लिक करता हूँ कस्टम के ऊपर, सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो अपने स्मार्टफोन की गैलरी में से किसी फोटो को आप सिलेक्ट करके उसको अपने वॉच फेस की तरह यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है फोटो एल्बम डायल, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप मल्टीपल फोटो को अपने वॉच फेस की तरह यूज़ कर सकते हो, हर बार आपको न्यू एक वॉच फेस मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 फोटो को आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट आपको मिलता है वीडियो डायल, ये बहुत ही यूनिक फीचर, मैं कस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा है अपलोड वीडियो, सो यहाँ पे अपने स्मार्टफोन की गैलरी में से किसी वीडियो को आप सिलेक्ट करके उसे अपने वॉच फेस की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप वीडियो वॉच फेस पे आप लगा सकते हो, जो बहुत ही यूनिक फीचर है, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। इन स्वाइप डाउन करते हुए कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा, ऐसे सीधा सेटिंग्स में जा सकते हो। इस तरह से नेक्स्ट आपको मिलता है डायलिंग फोन से ऐसा कॉलिंग कर सकते हो, ऐसा विद्युत कॉलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसा पावर सेविंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से मेनू स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। हमें कुल आपको टोटली 8 आपको मेनू स्टाइल आपको मिलने वाली, जिसको पूरा चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको मिलता है SOS, में क्लिक करता हूँ, आपको ऑन हो चुका है, तो आपको इमरजेंसी में बहुत ही काम आने वाला है। इस तरह से मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे आपको वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे मेनू ओपन हो जाएगा, देखो ओपन हो चुका है। और मैं स्वैप करता हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, ऐसे अलार्म आप लगा सकते हो, ऐसे ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको ट्रेनिंग मोड आपको मिलेगा, इस तरह से सेल्फ ट्रेनिंग हो जाएगी। इस तरह से स्पीकर से पूरा पानी बाहर आ जाएगा, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बैक करता हूँ। यहाँ पे कोई NFC भी आपको मिलने वाला है, जिसको आप पूरा एप्लीकेशन के ऐप से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है GPS मूवमेंट, जिसको पूरा ट्रैक कर पाओगे, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको मिलता है D&D मोड, वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसे आप फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर पाओगे, देखो ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इस तरह से यहाँ से अपने स्पीकर को पावर ऑफ कर सकते हो। इस तरह से काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा। एंड स्वाइप अप करते आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आप मैसेज नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से ऐसे पूरा ऑन ऑफ कर पाओगे, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे को नोटिफिकेशन मिलने वाली, इस तरह से जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस तरह से आपको नोटिफिकेशन को मिलने वाली, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे आप पूरा रीड कर सकते हो, ऐसा डिलीट भी कर पाओगे, डिलीट हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड स्वाइप लेप करते सबसे पहले मिलता है एक्टिविटी स्टेटस, नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, नेक्स्ट आपको मिलता है हार्ट रेट, नेक्स्ट आपको मिलता है ऐड विजिट्स, से कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐसे पूरा ऐड कर पाओगे, इससे देखो ऐड हो चुका है ये, ऐसे इसको आप निकाल भी सकते हो, माइनस निकल चुका है, इसे यहाँ सब इसको ऐड कर सकते हो, ऐड हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। एंड स्वाइप अप करते वक्त क्विक मेनू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम मिलता है, यहाँ पे आपको वेदर के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे सारे रिसेंट एप्स मिलने वाली है, इसको पूरा ऐसे भी ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको और एक बटन मिलने वाला है, इसको प्रेस करते आपको GPS मूवमेंट्स ऑन हो जाएगा। इस तरह से देखो ऑन हो चुका है, यहाँ पे हिस्ट्री रिकॉर्ड आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, बाइक सब कुछ आपको मिलने वाला है, पूरा आप GPS ट्रैक कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे टर्न ऑन GPS ऑन योर ऐप, सब कुछ आप कर पाओगे, यहाँ से ऑन हो जाएगा। इस तरह से देखो ऑन हो चुका है, 3, 2, 1 एंड गो। यहाँ पे आपको किलोमीटर डिस्टेंस, स्पेस, BPM के जरिए काउंट सब कुछ आपको मिलने वाला है, ऐसे आप ऑफ कर सकते हो, देखो ऑफ हो जाएगा, इस तरह से आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आप इस बटन को आप प्रेस करके अपने मेनू को ओपन कर सकते हो, देखो आप मेनू ओपन हो जाएगा। इस तरह से एक मेनू ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हो, देखो वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, देखो ऑन हो चुका है, सो ये भी सब कुछ आप कर पाओगे। यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक करते हो आपका मेनू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है एक्टिविटी, यहाँ पे आपको कैलोरी काउंट, स्टेप,
डिस्टेंस तक कुछ आपको मिलने वाला इस तरह से पूरा आप देख सकते हो। मैं बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे सब कुछ आप मेजर कर पाओगे, इस तरह से पूरा आपको डेटा मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है हार्ट रेट, में क्लिक करता हूँ, देखते मेरा हार्ट रेट कितना आता है, अभी मिल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे शो कर रहा है 87 BPM जो नॉर्मल हार्ट रेट है, आपको लास्ट टाइम लिखा है उसको आपको BPM यहाँ पे को मिलने वाला है। मैं स्टेप अप करता हूँ, आपको इस चेक आपको मिलने वाला है, इस तरह से पूरा आप चेक कर पाओगे। और नेक्स्ट आपको मिलता है ECG, मैं क्लिक करता हूँ, देखते मैं ECG कितना आता है, मेरे से होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ECG शो कर 76 BPM जो ये काफी अच्छा लेवल है। और नेक्स्ट मिलता है ब्लड ऑक्सीजन, मैं क्लिक करता हूँ, देखते मेरा ब्लड ऑक्सीजन कितना भी मेरे से होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे शो कर 97% जो काफी ज्यादा स्पीड लेवल है, यहाँ लिखा लास्ट 95% सब कुछ आप देख सकते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे स्मार्ट वॉच में 108 आपको स्पोर्ट्स को मिलने वाले, इसको पूरा यूज कर सकते इस तरह से, बहुत सारे बोर्ड्स मिलने वाले हैं। अभी हम किसी मोड को ऑन करते हैं, चलो अभी हम ऑन करते हैं रनिंग को, और ये रनिंग क्लिक किया ऑन हो जाएगा 3, 2 एंड 1। यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, डिस्टेंस आपको मिलेगा, पेस आपको मिल जाएगा, BPM आपको मिलता है, कैलोरी काउंट मिलता है, कैंडलेस मिलता है, स्टेप्स आपको सब कुछ आपको मिलेगा, इस तरह से पूरा आप डेटा आप देख सकते हो। मैं बैक करता हूँ, ऐसे बोर्ड को आप ऑफ कर सकते हो, मोड ऑफ हो जाएगा, सब बहुत इजीली आप स्पॉट्स को यूज़ कर पाओगे। और नेक्स्ट आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल विद इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन आपको मिलने वाला, इस तरह से फोन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पूरा कॉलिंग हिस्ट्री आपको मिलने वाला इस तरह से, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं ऐप की हेल्प से। नेक्स्ट आपको मिलता है डायल पर, मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे कॉल डायल कर पाओगे, ऐसे कॉलिंग हो जाएगा, जो कॉल लग चुका है, यहाँ पे कट से कट भी करोगे, इस तरह से सब कुछ आप कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट, मैं आगे देख लिया एलार्म ब्रीथिंग एक्सरसाइज को मिलने वाले, कैलकुलेटर को मिलने वाला, टाइमर स्टॉप वॉच, यहाँ पे आपको माइकार मिलने वाला है, रिसीव कोड आपको मिलने वाला है। और नेक्स्ट मिलता है फाइन फोन, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी फोन में रिसीव बना सकते हो, इस तरह से यहाँ पे फोन भी फाइन कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है फ्लैश लाइट, यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको मिलता है मसाज, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके वॉच में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, इस तरह से मसाज का फील आपको मिलता है, जो काफी यूनिक फीचर है, ऐसे मसाज ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है फीमेल पीरियड, यहाँ पे गर्ल्स अपनी फीमेल साइकिल को आप ट्रैक कर पाओगी, पूरा यहाँ पे आप डेटा डाल सकती हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है गेम्स, यहाँ पे गेम भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन मार्केट, यहाँ पे आप मेट्रो MPS एप्लीकेशन को डाल सकते हो, GPS मूवमेंट आपको मिलने वाला है, थर्मोमीटर भी आपको मिल जाएगा, मैं क्लिक करता हूँ, देखते मेरा टेम्परेचर कितना आता है, अभी मेजर होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है 36.5 सेल्सियस जो एक काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर है, बैक इस तरह टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है सेटिंग्स, मैं क्लिक करता हूँ, स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ब्राइटनेस को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, स्क्रीन टाइम को आप चेंज कर पाओगे, ऐसे वाइब्रेशन को आप प्लस सेटिंग कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो, लाइट को अप डाउन सब कुछ आप कर सकते हो, इंटरव्यू आप चैट कर पाओगे इस तरह से। नेक्स्ट आपको डोंट डिस्टर्ब को ऑन ऑफ कर सकते हो, वेकअप फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे आप पिन लॉक भी लगा सकते हो, पिन सेट कर पाओगे, आप टाइम सेट कर सकते हो, की डेफिनेशन को भी आप चेंज कर पाओगे इस तरह से, इसके की को आप चेंज कर सकते हो, बी सेट लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसे स्मार्ट वॉच को आप फैक्ट्री सेट भी कर पाओगे, ऐसे आप स्मार्ट वॉच को पावर ऑफ कर सकते हो इस तरह से, तो काफी अच्छा यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। सो गाइस अभी आपको स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, स्मार्ट वॉच की क्वालिटी काफी अच्छी है, पूरे आपको मेटल बॉडी मिल जाएगी, प्लस आपको भीतर का स्ट्रैप मिलता है जिसको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सुपर मिलती है, लुक आपको बहुत ही प्रीमियम मिल जाएगा, सारे आपको सेंसर्स मिलने वाले, सारे फीचर्स आपको मिलने वाले, सो बहुत ही वैल्यूफुल आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाले। और आपको परचेस करना है इसको आप 100% परचेस कर सकते हो, एंड परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब सीधा परचेस कर सकते हो। मैं अपने चैनल पर इस टाइप के वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं, आपको वीडियो यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, इंटरेस्टिंग लगाओ, तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं वीडियो में, बाय।